खबर आ रही है पटियाला तो, जिथे कि पटियाला पुलिस नू मिली वड्डी कामयाबी, जिस विच पुलिस वालों 24 घंटे के अंदर ही लड़की नाल छेड़छाड़ करन वाले आटो चालक नू गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सिटी पटियाला श्री वरुण शर्मा वालों पत्रकारों नू दस्या गया कि इस आटो रिक्शा वाले के खिलाफ अगे भी केस दर्ज है अते हुन उसनू रिमांड ते लैके पुछगिछ कीती जाएगी अते जो बनदी कारवाई ओ कीती जाएगी। मिति 20/10/2020 नू एक मुकदमा थाना सदर पटियाला विखे 376/511 353 BIPC दे तहत दर्ज होया सीगा, जिस विच एक लड़की सीगी जो ट्यूशन पढ़ के बहादुरगढ़ चौंकी दे एरिए चों अपने पिंड नू जा रही सी, तो उसने अपने थ्री व्हीलर कीता होया सीगा, तो वो थ्री व्हीलर चालक ने राह च जाके थ्री व्हीलर रोक के ते उस पिछे बैठी लड़की दे कोल आके उन्हें छेड़खानी शुरू करती। जो उन्हें विरोध किया तो वो जेब च एक पेचकस सी, और पेचकस नाल उन्हें वो गिची दे होर भी शरीर के कई अंगा उन्हें पेचकस मार के उन्होंने फटड़ करता, तो वो रौला पाउण दे उत्ते उत्थे राह जांदे लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए सी, जिते वो सुखदेव सिंह जिहड़ा चालक सी उत्थों मौके तो फरार हो गया सी। जो मुकदमा दर्ज होने तो बाद SHO सदर प्रदीप बाजवा, चौंकी इंचार्ज बहादुरगढ़ लेडी SI जसप्रीत कौर, इन्हां तिन्हां ने बड़ी मेहनत नाल 24 घंटिया ही जिहड़ा मुरजम सी सुखदेव सिंह नूं उनकी गिरफ्तारी पा ली। वह दौणकला पिंड के बार बार भजन की तैयारी सीगा, जदों कि इन्हों तलाह मिली तो इन्होंने उन्होंने मौके पर जाके फटा गिरफ़्तार करके अज उस कोर्ट च पेश किया जा रहा। कोई इन्हें पहले भी मुकदमा दर्ज है? हाँ जी, कोई इन्हें पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? ये तो पहला भी पता लग्या भी कोई त्रिपड़ी थाने कोई इस तरह ही छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होया हुआ, जिस दे बारे भी असं पता करांगे। सर जी लड़की छेड़छाड़ हुई बालक है कि ना बालक है? लड़की बालक है, +2 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੇਚਕਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਲੰਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀਗੀ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ। ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ SSP ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਟੋ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ।